Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. Right? So, dear student, in last class we can discuss about reaction intermediate. We have finished all the reaction intermediate in previous class. Now, start a new topic that's very useful for NEET as well as JEE point of view. That is nothing but type of reagents. Now, previously we can discuss about what is the difference between reagent and substrate. Reagent means its help to react and to convert them into product is called as reagents. तो reagents ऐसे species है जो reactant को product में convert करता है, help करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं reagents. तो reagents are basically two types. First one is electrophiles and second one is nucleophiles. Now, यहाँ पे नाम में ही इसका सब कुछ छुपा हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स मतलब क्या होता है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स में क्या डिफरेंट है. राइट, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये चीज हम लोग आज सीखने वाले. सो इलेक्ट्रोफाइल देखो नाम में रखा है, इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे दो पार्ट है. अगर तुमको नाम में दिख रहा है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है तुम्हारा फाइल्स. फाइल्स का मीनिंग क्या होता है, लविंग. इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन. मींस द स्पेसिस हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से देखेंगे. सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेसिस. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज. तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिएजेंट. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल. तो फर्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स. तो इलेक्ट्रोफाइल्स में अगर हम देखेंगे यहाँ पे दो चीज है. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो फाइल्स, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मीनिंग क्या होता है, लविंग. सो ऐसा स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन्स को लव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स उसका क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स. अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज. बराबर, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज. राइट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ऐसा स्पेसिस जो नेगेटिव के तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है. और मुझे बताओ कि नेगेटिव के तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली कौन होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा. मींस इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, इट इज पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस व्हिच अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन. अब मुझे और एक चीज तुमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज रहता है. नेगेटिव चार्ज का मीनिंग केमिस्ट्री में कैसे लेना है, किसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या लेना है, नेगेटिव स्पेसिस. है ना, नेगेटिव मतलब क्या रहता है, वी कैन सिंपली से दैट द स्पेसिस व्हिच हैविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव. बराबर है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ही वो किसके तरफ मूव कर रहा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है. मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. इलेक्ट्रोफाइल्स क्या रहता है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज व्हिच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, समझ में आया, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस व्हिच कैन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स. अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हो सकते हैं, अब ये किसके तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के तरफ. तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा, ऑल द पॉजिटिव स्पेसिस, बिकॉज वो पॉजिटिव करके किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव. इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या रहेगा, ऑल पॉजिटिव स्पेसिस ऑलवेज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. जितने भी मैंने एग्जांपल लिख के रखा हूं, जितने भी पॉजिटिव स्पेसिस है, दे ऑल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे हैविंग स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, दूसरा चीज, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है. इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो स्पेसिस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए उसके तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या रहता है, एन इलेक्ट्रॉन्स लविंग केमिकल स्पेसिस दैट अट्रैक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम इन देम. उसमें एक तो भी ऐसा एटम रहेगा जो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, डेफिशिएंट रहेगा. तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम प्रेजेंट रहता है, एटलीस्ट एक. ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन लविंग
और क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस। ठीक है, इसके अलावा अब देखो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, N ट्रिपल बॉन्ड, N पॉजिटिव, R पॉजिटिव मींस कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल राइट। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कार्बोकेटायन इज अ चार्ज स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल में भी ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन देर आर सम न्यूट्रल स्पेसिस विच ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल स्पेसिस में क्या लेना है, ऐसा न्यूट्रल स्पेसिस जो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड कैटेगरी देखते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पेसेस जिसके ऑक्टेट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे स्पेसेस भी क्या एक्ट होंगे तुम्हारे, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट हो सकते हैं। वो कौन से, तो हमने कार्बन फ्री रेडिकल देखा था राइट। कार्बन फ्री रेडिकल में हमने क्या चीज देखा था, कार्बन फ्री रेडिकल अगर हम लोग एक बार यहाँ पे देखते हैं तो कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विद सिंगल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये कार्बन कहीं ना कहीं क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये कार्बन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आर 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते इसके सराउंडिंग में, मतलब हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल में एक तो भी एटम ऐसा रहेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो कार्बन फ्री रेडिकल हम लोग ले सकते हैं, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बिन, हमने सब रिएक्शन इंटरमीडिएट में लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कार्बिन के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, देखो कार्बन फ्री रेडिकल कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बीन कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रीन कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, इट कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑल दिस 3 स्पेसिस ऑल्सो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। मैंने प्रीवियस केस में तुमको बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों, क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन फ्री रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा हम लोग और एग्जांपल देखेंगे, BF3 AlCl3 ZnCl2। अब यहाँ पे BF3 के पास देखते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BFFF, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। AlCl3 का एग्जांपल देखो एल्यूमिनियम Cl, एल्यूमिनियम के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन राइट। हियर यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ ZnCl2, ZnCl2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ZnCl 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, मींस कहीं ना कहीं बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम है, एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जिंक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बट दे डज नॉट हैविंग एनी चार्ज, means इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, मीन्स द चार्ज स्पेसिस ऑन न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज और इट मे बी न्यूट्रल, कंडीशन इज दैट न्यूट्रल में एक तो भी एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या रहेगा, एटलीस्ट एक क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल हमने देख लिया हुआ है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन किसके एग्जांपल, इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन कौन से टाइप का इलेक्ट्रोफाइल हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, कार्बिन नाइट्रीन एंड कार्बन फ्री रेडिकल दे आल्सो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन कौन से टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल। उसके अलावा अगर हम लोग वेल नोन एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है तुमको BF3 AlCl3 ZnCl2, ये न्यूट्रल स्पेसिस के एग्जांपल हमेशा याद रखो जो क्या एक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट होते हैं। या तक क्लियर हुआ? सेकंड, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, तो यहां पे भी दो वर्ड है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो एंड फाइल। तो न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और हमको पता है एटम का हमने स्ट्रक्चर देखा, ये न्यूक्लियस में क्या रहता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं, सराउंडिंग में रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। फाइल का मीनिंग हमने देखा था क्या होता है, लविंग, मींस न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीसीज विच लव्स न्यूक्लियस, मतलब विच लव्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल आर
negatively charged species which always attract towards the positive, always attract towards the nucleus. That is, nucleus consists of positive charged species. Means nucleophile are electron rich species, jabki electrophile kya tha? Electron deficient species. So nucleophile aisa species jiske paas electron excess hai, jo electron donate karne ki kya rakhta hai tendency rakhta hai, usko kya bolte hai? Nucleophile. अब न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है? जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहता है. और एक्सेस इलेक्ट्रॉन कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है. जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज. मींस ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लिया, तुम लोग जस्ट गो थ्रू हो जाओ. सीएल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, आर माइनस, ठीक है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड माइनस, ओ एच माइनस, ओ आर, SR minus, C6H5O minus, NH2 minus, NO2 minus, CN minus, RCO minus, right? तो all the negatively charged species जो electrons को donate करने के लिए तैयार रहते हैं, always act as a nucleophile. अब जैसे हमने electrophile में देखा था neutral, तो neutral nucleophile भी रहते हैं, लेकिन condition क्या है? Neutral nucleophile में जो भी एक तो भी एटम ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए ताकि वो डोनेट कर सके. यहाँ पे वाटर के पास दो लोन पेयर है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, सेकेंडरी अमाइन के पास, प्राइमरी अमाइन के पास एक लोन पेयर है. यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सल्फर के पास लोन पेयर है, आर पे नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, NaBH4 इसको हम लोग ये देते हैं BH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी क्या न्यूट्रल है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट right? तो यहाँ पे इस पे नेगेटिव अगर डिसोसिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज व्हिच एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, राइट, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल. अगर तुम्हारा रिएक्टेंट इलेक्ट्रोफाइल है, तुम्हारा रिएजेंट क्या एक्ट होगा? न्यूक्लियोफाइल. अगर तुम्हारा रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल है तो रिएजेंट क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल. तो ऑलवेज याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक, राइट. मतलब अगर तुम्हारा रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो इट कैन अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, है ना, जो रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन रिच है. अगर तुम्हारा रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, कहां पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्टेंट पे क्या करेगा? वो अटैक करेगा. बहुत सिंपल सा टॉपिक है. तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, right, which loves electron is called as electrophile. All positive charged species or the neutral molecule which having electron deficient atom always act as a electrophile. Nucleophile means which loves nucleus. Nucleus consists of positive charge, means nucleophile are electron rich species. Iske example dekhenge, all negative species or the neutral molecule which having at least one lone pair of any of the atom, means electron rich. ये इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. यहां तक क्लियर हुआ, राइट? तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग क्या है? टाइप ऑफ रिएजेंट. तो बेसिकली दो टाइप के रिएजेंट हमको पढ़ना है. ज्यादा इसमें ज्यादा नहीं, एग्जांपल तुम लोग याद रखो. नेगेटिव चार्ज दिखा तो न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज दिखा इलेक्ट्रोफाइल है. न्यूट्रल स्पेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल. नाउ अब हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं. ये बहुत लोगों को ये सब चीजें पता नहीं रहता है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है. अब अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं OH- माइनस का, तो OH- माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है कि OH- माइनस ये बेस है, ये कैसे पता करेंगे? अगर मैं बोलूं दोनों है, OH- न्यूक्लियोफाइल भी OH- बेस में, तो हम लोग कब उसको बेस बोलेंगे, कब उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे? नेगेटिव स्पेसीज है उसको न्यूक्लियोफाइल कब बोलना और उसको बेस कब बोलना, उसके लिए भी एप्रोप्रिएट तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग रिएजेंट, हम लोग ये ले सकते कंडीशन. अगर मान लो एक तुम्हारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, जस्ट एग्जाम्पल, और एक तुम्हारे पास H+ आयन, ठीक है, तो अगर OH- यहां पे अटैक करेगा तो कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? हमने देखा है आप अटैक करता है न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज पे. यहाँ पे OH- यहाँ पे भी है, ये क्या कर रहा है? H+ आयन, ये भी पॉजिटिव स्पीसीज है. तो यहाँ पे देखो सेकंड केस में इसको क्या बोलेंगे? OH- क्या एक्ट हो रहा है? तुम्हारा बेस. और इस केस में OH- क्या एक्ट होगा? न्यूक्लियोफाइल.
तो बेस कब बोलना है, जब कोई नेगेटिव चार्ज स्पेसिस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब H+ आयन को क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। कोई भी नेगेटिव स्पेसिस अगर वो प्रोटॉन को ले रहा है तब उस नेगेटिव स्पेसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। बट अगर वही तुम्हारा नेगेटिव स्पेसिस किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक कर रहा है तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। फर्क समझ में आया? तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, ऐसा स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करता है तब उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और बेस का बोलेंगे SS पे, वही स्पेसिस जब वो H+ आयन को लेगा तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस। बिकॉज H+ आयन क्या एक्ट होता है, एसिड, और एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, बेस। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखो। तो बेस कब बोलना है, जब वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। और न्यूक्लियोफाइल कब बोलेंगे, जब OH- इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें बेस और न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ रिएजेंट। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा टॉपिक था, टाइप ऑफ रिएजेंट भी हमने फिनिश किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। हम लोग रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग चार कंसेप्ट हमको पढ़ना है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द होल वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज SR Academy of Chemistry, राइट। आज हम लोग यही पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।